हेलो एंड वेलकम टू द डिस्कवर स्टडी। आज हम कवर करेंगे इंडियन पॉलिटी प्लेलिस्ट में यूनियन टेरिटरीज, जो कि आर्टिकल नंबर 239 से 241 के अंदर आता है कॉन्स्टिट्यूशन में, पार्ट 8 के अंदर। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैंने इंडियन पॉलिटी की प्लेलिस्ट बना रखी है, जिसमें शॉर्ट में सारे चैप्टर्स दिए गए हैं। तो फर्दर रेफरेंस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो अच्छी लगने पर लाइक ज़रूर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आर्टिकल 239 कहता है कि जो यूनियन टेरिटरी होती है उसको प्रेसिडेंट एडमिनिस्टर करते हैं एडमिनिस्ट्रेटर के द्वारा, और प्रेसिडेंट चाहे तो कोई भी स्टेट के गवर्नर को भी एज एन एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट कर सकते हैं उस पर्टिकुलर जो नियर बाय यूनियन टेरिटरी है उसके, ताकि वो फंक्शन कर सके एज एन इंडिपेंडेंट एडमिनिस्ट्रेटर। अब इसमें 14th अमेंडमेंट 1962 के बाद 239A ऐड हुआ, जिसमें प्रोविजंस हैं पुडुचेरी से रिलेटेड। देखिए, पार्लियामेंट चाहे तो पुडुचेरी के लिए एक बॉडी जो कि पार्शियली नॉमिनेटेड होगी और पार्शियली इलेक्टेड होगी, उसको एज अ लेजिस्लेचर ऑफ द यूनियन टेरिटरी बना सकती है, या फिर एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, या चाहे तो दोनों बना सकती है। और ये जो यूनियन टेरिटरी का क्रिएशन है, ये एज एन अमेंडमेंट आर्टिकल नंबर 368 के अंदर नहीं आएगा। फिर फर्दर आर्टिकल नंबर 239 की एक और अमेंडमेंट आई, 69th अमेंडमेंट 1991, जिससे बनी NCT ऑफ दिल्ली, यानी कि नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली के लिए स्पेशल प्रोविजंस 239AA में। इसमें कहा गया है कि NCT दिल्ली को एक लेफ्टिनेंट गवर्नर एडमिनिस्टर करेंगे, और ये जो लेजिस्लेटिव असेंबली होगी इसमें मेंबर्स डायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू आएंगे। हालांकि जो इस लेजिस्लेटिव असेंबली में सीट्स रिजर्व्ड हैं शेड्यूल कास्ट के लिए, वो सब पार्लियामेंट लॉ के जरिए रेगुलेट करेंगे। अब आर्टिकल नंबर 324 से 327 तक और आर्टिकल नंबर 329 में जो इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड प्रोविजंस हैं, जिनको हम फर्दर वीडियोस में कवर करेंगे, उसमें जो अप्रोप्रिएट लेजिस्लेचर है दिल्ली के केस में वो पार्लियामेंट है। नेक्स्ट प्रोविजन आता है कि जो लेजिस्लेटिव असेंबली है ये कॉन्करेंट लिस्ट और स्टेट लिस्ट दोनों में लॉज बना सकती है, लेकिन एंट्री नंबर 1 यानी कि पब्लिक ऑर्डर, एंट्री नंबर 2 यानी कि पुलिस, एंट्री नंबर 18 यानी कि लैंड स्टेट लिस्ट का, और एंट्री नंबर 64 यानी कि ऑफेंसेस, एंट्री नंबर 65 यानी कि ज्यूरिसडिक्शन एंड पावर ऑफ द कोर्ट, एंड एंट्री नंबर 66 यानी कि फीस उससे रिलेटेड स्टेट लिस्ट के अंदर जो आर्टिकल जो एंट्री है 1, 2 और 18 से रिलेटेड, उस पर लॉस नहीं बना सकती क्योंकि ये सेंटर के अंदर आता है। इसका मतलब ये नहीं है कि पार्लियामेंट दिल्ली को एक अलग यूनियन टेरिटरी ना समझ के कुछ लॉस नहीं बना सकती। पार्लियामेंट के पास भी पावर है कि वो लॉस बना सकती है। इनफैक्ट अगर लेजिस्लेटिव असेंबली कोई लॉ बनाती है और पार्लियामेंट भी कोई लॉ बनाती है, दोनों रिपग्नेंट हो जाते हैं यानी कि क्लैश कर जाते हैं, तो जो लॉ पार्लियामेंट ने बनाया होता है वो प्रिवेल करता है, और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि लेजिस्लेटिव असेंबली ने वो लॉ पहले बनाया था या बाद में। हालांकि जो लेजिस्लेटिव असेंबली है वो अगर प्रेसिडेंट का कंसेंट ले ले तो वो लॉ वैलिड है, बट इसमें पार्लियामेंट की पावर्स में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि वो दोबारा लॉ नहीं बना सकती। आगे चलते हैं। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की टोटल स्ट्रेंथ है इस केस में 10% से ज्यादा नहीं हो सकती, जो कि बाकी स्टेट के केसेस में 15% है। और जो चीफ मिनिस्टर है एट द हेड टू एड एंड एडवाइज द लेफ्टिनेंट गवर्नर, मतलब उनका काम है कि वो लेफ्टिनेंट गवर्नर को एडवाइस करे, लेकिन अगर कोई ओपिनियन में डिफरेंसेस हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर के और मिनिस्टर्स के किसी भी पॉइंट पे, तो वो जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं वो प्रेसिडेंट को मैटर फर्दर फॉरवर्ड कर सकते हैं, लेकिन अगर बहुत ही ज्यादा अर्जेंसी है तो उनके पास एक डिस्क्रिशनरी पावर है कि वो डायरेक्ट कर सकते हैं जैसा उनको सही लगे। और इस पे ही बहुत बड़ी कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट भी सुप्रीम कोर्ट में चल रही है, क्योंकि इसमें बोला जाता है कि इस तरीके से वो दिल्ली की लेजिस्लेटिव असेंबली की क्रेडिबिलिटी गिरा रहे हैं, क्योंकि जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है वो एज एन एडमिनिस्ट्रेटर प्रेसिडेंट ने अपॉइंट किए थे और प्रेसिडेंट को एड एंड एडवाइस करती है यूनियन गवर्नमेंट, तो ये अननेसेसरी एनक्रोचमेंट है। हाउएवर दिल्ली एक अलग ही प्लेस्ड है एज एन यूनियन टेरिटरी, तो इसके लॉज थोड़े डिफरेंट है। अब देखिए, यहाँ पे नोट करने वाली बात यह है कि जो यहाँ का चीफ मिनिस्टर होते हैं वो अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट, और बाकी स्टेट के केसेस में गवर्नर अपॉइंट करते हैं, और बाकी जो मिनिस्टर हैं वो भी प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, और एडवाइस इसमें चीफ मिनिस्टर से ली जाती है, और ये इंडिविजुअली रिस्पॉन्सिबल हैं प्रेसिडेंट को, यानी कि दे होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी इनकी है लेजिस्लेटिव असेंबली की तरफ। अब आगे बढ़ते हैं 239AB की तरफ, जो कि आया था 69th अमेंडमेंट से। इसमें भी कहा गया है कि प्रेसिडेंट लेफ्टिनेंट गवर्नर की रिपोर्ट के
हिसाब से, या फिर वैसे भी अगर उनको लगे कि कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी यूनियन टेरिटरी में ढंग से काम नहीं कर रही है, तो वो प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए एनसीटी दिल्ली के किसी भी प्रोविजन को सस्पेंड कर सकते हैं आर्टिकल नंबर 239 AA के। नेक्स्ट आता है आर्टिकल नंबर 239 B, जो कहता है कि एडमिनिस्ट्रेटर की पावर क्या है ऑर्डिनेंस प्रोमुलगेट करने की। देखिए, अगर एडमिनिस्ट्रेटर को लगे कि सर्कमस्टांसेस बहुत ही ज्यादा नेसेसरी हैं कि ऑर्डिनेंस चाहिए, तो वो प्रोमुलगेट कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए प्रेसिडेंट के इंस्ट्रक्शंस चाहिए होते हैं। और उसके बाद भी अगर लेजिस्लेचर डिसॉल्व हो रखी हो या फिर उसकी फंक्शनिंग सस्पेंड कर दी गई हो 239 A के क्लॉज 1 की वजह से, तो ये प्रोमुलगेट नहीं हो सकती ऑर्डिनेंस। फर्दर, कि ये जो ऑर्डिनेंस प्रोमुलगेट की जाती है, ये इसकी पार वैसी ही होती है जैसे एक स्टेट का, यानी कि यूनियन टेरिटरी का इस केस में, एक्ट की पार होती है उतनी ही पार होती है। और जब ये असेंबली रीअसेंबल होती है, तो उनकी रीअसेंबली के 6 वीक्स बाद ये ऑपरेट होना बंद हो जाती है, यानी कि ख़त्म हो जाती है, और एडमिनिस्ट्रेटर जब भी चाहे वो इन ऑर्डिनेंस को वापस भी ले सकते हैं। नेक्स्ट आता है आर्टिकल नंबर 240, जो कि कहता है कि प्रेसिडेंट के पास पावर है कि वो रेगुलेशन बना सकते हैं पीस फर्स्ट, सेकंड प्रोग्रेस, और तीसरा गुड गवर्नमेंट से रिलेटेड यूनियन टेरिटरी में। कौन सी यूनियन टेरिटरी? फर्स्ट अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, सेकंड लक्षद्वीप, थर्ड दादर एंड नागर हवेली, फोर्थ दामन एंड दीव, एंड फिफ्थ पुडुचेरी के केस में। नेक्स्ट आता है लास्ट आर्टिकल ऑफ द डे, आर्टिकल नंबर 241, जिसमें कहते हैं कि पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो इन यूनियन टेरिटरी के लिए हाई कोर्ट कॉन्स्टिट्यूट कर सकती है। और हमने हाई कोर्ट वाले चैप्टर में देखा था कि हर स्टेट के लिए या फिर हर यूनियन टेरिटरी के लिए हाई कोर्ट होता है, हर यूनियन टेरिटरी या हर स्टेट में नहीं होता। यानी कि जो भी एक हाई कोर्ट है, वो चाहे तो 2-3 स्टेट का साथ में हो सकता है, स्टेट और यूनियन टेरिटरी का साथ में हो सकता है, 2 यूनियन टेरिटरी का साथ में हो सकता है, कोई भी केस हो सकता है। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। बाकी रेगुलर अपडेट्स के लिए आप इंडियन पॉलिटी की प्लेलिस्ट को फॉलो करें। और आज के लिए थैंक यू।